One day, rabbit's friend cat finds the shoe in the garage. फिर वो शू किसको मिला? कैट को मिला. This is nice. May I take it? Ask cat. तो कैट ने क्या सोचा? रैबिट की फ्रेंड थी कैट, तो उसने क्या सोचा कि चलो ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसको ले लेती हूँ. उसने रैबिट से पूछा तो रैबिट ने बोला यस श्योर ले लो. एट होम कैट पुट सम सॉइल इनटू द शू एंड प्लांट्स अ सैपलिंग इन इट. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ सनलाइट एंड वाटरिंग लवली फ्लावर्स ब्लूम इनटू द शू ऑन हर विंडो सिल. उसने क्या किया, वो शू के अंदर उसने छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो किया. थोड़ा सा मिट्टी डाल के उसने थोड़े थोड़े प्लांट्स ग्रो करिए और फिर सनलाइट और वाटर डाल के वो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स हो गए. द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल इन दैट अनयूजुअल शू पॉट. बट वंस द वेदर चेंजेस एंड द फ्लावर्स आर ऑल ग्रोन कैट फॉरगेट्स अबाउट हर शू पॉट. इन टाइम द शू रोल्स ऑफ द विंडो सिल. पप्पी फाइंड्स इट एंड पॉज द शू अराउंड अ फ्यू टाइम्स. उसने क्या किया, जब वो वेदर अच्छा हो गया तो कैट ने वो शू पॉट के बारे में भूल ही गए और शू विंडो सील से नीचे गिर गया. तो वो शू किसी को मिला, पपी को. पपी फाइंड्स इट एंड पॉज द शू अराउंड अ फ्यू टाइम. हियर हे दिस इज द फन, क्राइज पपी. ही टेक्स द शू टॉय टू हिज कैनल ऑन द फार्म. वो कहाँ ले गया, उसके कैनल में लेके गया, जहाँ पे उसका जिस फार्म में उसका कैनल था. इन फ्यू मंथ्स द फैमिली ऑन द फार्म मूव्स अवे टू अ न्यू होम. वो जिस फैमिली के साथ रहता था वो पपी, वो एक दूसरे घर पे रहने के लिए चले गए और पपी भी उनके साथ चला गया. एंड उसने क्या किया, वो उसके टॉय के बारे में भूल गया. सून न्यू पीपल मूव इन. फिर वो घर में कौन आया, न्यू पीपल आए. When Ram finds the shoe in the kennel, he is surprised but very very happy. Smiling all the while, he cleans and repairs the shoe. It now looks as good as new. Then he pulls out its pair and wears them both. At last, Ram has found the shoe he lost so many months ago. The shoe finds a place where it belongs. मीन्स क्या हो गया, ये पपी वो शू वहाँ पे उसी घर में भूल गया. फिर वो घर में रहने के लिए एक फैमिली आई, उसमें एक बॉय था राम. वो जैसे ही वो कैनल के पास गया, उसने सरप्राइजली देखा, अरे ये तो उसी का ही शू है जो बहुत टाइम पहले खो गया था. तो उसने क्या किया, वो शू को अच्छे से क्लीन करके उसको रिपेयर करके उसका जो दूसरा शू था उसको भी क्लीन करके उसको उसने क्या किया, उसने दोनों को पहना और उसने क्या बोला कि शू को उसकी सही जगह मिल गई. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंड यू आर ऑल्सो एन्जॉयड इट टू.